हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी सीरीज में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारी टॉपिक चल रहा है, उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक आया है, सेकंड लेक्चर आया है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको सभी लोगों को पता होगा, कल हमने जो डिस्कस किया था या लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने ये डिस्कस किया था किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका चेंज किस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है और करंट को इंड्यूस करता है, जिसके कारण वो करंट को जिस तरीके से बिहेव करता है कि जो आप कॉज है उसको अपोज करता है। अब मैंने आपको ये सब अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझाया था। आज हम और भी अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे लूप से रिलेटेड। और मैंने आपको जो लास्ट क्लास, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देखना जाके, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से एक कंडक्टर जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, और जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, कट करते हुए आगे जाता है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो सकता है या ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो लेने वाले हैं। फिर से जिन बच्चों को पता है, मैं पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। सबसे पहली जो चीज आपको बताई थी, फर्स्ट फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो चीज आपको मैंने बताई थी, वो ये बताई थी कि किस तरह से एक लूप जो होता है, उस लूप के अंदर की मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं तो किस तरह से इसके अंदर इंडक्शन होता है, ये मैं आपको बता चुका था। ये फैराडे की एक ऑब्जर्वेशन थी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये थी कि मैंने आपको ये बताया था किस तरह से अगर एक मैग्नेट रखी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके अंदर जिस तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूं, देखिए अभी मैंने स्ट्रेट बनाई है क्योंकि मैंने बहुत छोटा एरिया लिया है, ठीक है। अगर इसी एरिया में मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर अगर मैं इसको क्रॉस कराता हूं नीचे, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कट करते हुए नीचे जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा। दैट मीन्स जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ नीचे जाता है, तो भी देखा गया कि उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। कैसे देखा गया? ईएमएफ को, ताकि उसमें वायर लगाया गया, बल्ब लगाया गया या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, तो वो जल उठा या उसमें एक्टिविटी दिखाई दी, इस कारण हम देख पाए कि उसके अंदर भी ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था और अब हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ध्यान देना बच्चों, अब जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया भी था, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इनसाइड द प्लेन जा रही है। ओके, ये इनसाइड द प्लेन जा रही है। अब ध्यान दे, ये मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही है, ये समय के साथ बदल नहीं रही है। बट हुआ क्या, एक मैंने कंडक्टर सामने रख दिया। देखिए क्या रखा मैंने, कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर सामने रखा और ये कंडक्टर को इस तरीके से सामने रखा है, ठीक है। अब देखो, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ जा रही है ना, और कंडक्टर सामने रखा है, भी कंडक्टर का मैंने मूवमेंट कराना है। तो मैंने बोला कि लेट से साहब, ये कंडक्टर जो है ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है। बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो वी वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है किसके, उस लेंथ के, उस कंडक्टर की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, मैंने उसके एंड्स को भी नाम दे दिया ए और बी। बहुत बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब क्या होगा, देखो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ये कंडक्टर है। अब होने क्या वाला है, ये कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए किसी भी एक तरीके से, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन से क्लैरिटी से मिले या प्रोटॉन से क्लैरिटी से मिले, क्लैरिटी मिले। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान देना कैसे, अब बहुत अच्छे से समझना बात को, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या आप बताओ मुझे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही इसको कट करते हुए आगे जा रहा है, कट करते हुए आगे जा रहा है ना, जिस तरह से मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है, कट करते हुए आगे नीचे जा रहा है, ये कट करते हुए आगे जा रहा है। तो देखो, आप खुद देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के पास, क्या मैं बोल सकता हूँ एक वेलोसिटी है, क्योंकि अगर इस पूरी रॉड की वेलोसिटी भी है तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी भी होगी? हाँ बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो आप ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ की तरफ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, बट ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ अगर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है, तो क्या ये जाना पहचाना केस हो गया है? सर कैसा जाना पहचाना केस? जाना पहचाना केस कुछ इस तरह से कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है और उसके पास एक वेलोसिटी है, और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू हो जाता है? अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो, पैरेलल ना हो तो? बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आप सभी लोगों को पता है, मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है,
अच्छा अगर आप इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे तो वी क्रॉस बी थंब ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपको आना चाहिए निकालना, तो ये आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर अगर मान लीजिए कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो चार्ज मूव कर रहा है तो क्या उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू हो जाता है? बिल्कुल तय बात है, लगना चालू हो जाता है। अब मान लीजिए रॉड आगे जा रही है वी वेलोसिटी से, तो उसके अंदर सारे जो चार्जेस है वो भी तो आगे जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो हर चार्ज पे क्या फोर्स लगना चालू हो जाएगा? बिल्कुल लगना चालू हो जाएगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सिमिलर केस हो गया। बट एक डिफरेंस आ गया कि सर इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगाया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। देखो जल्दी से मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगना चालू हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चालू हो जाता है? वो ऊपर की तरफ लगना चालू हो जाता। देखो बेटा बहुत बहुत ध्यान से समझना है ना, कंडक्टर आगे जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है एक दूसरे के रिलेटिव, हर चार्ज के पास एक आगे की तरफ वेलोसिटी भी है और अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी जो वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। देखो वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर चल रहा है, तो परपेंडिकुलर है तो फोर्स आ जाएगा क्यू इंटू वी इंटू बी, यही आ जाएगा ना फोर्स। तो और दूसरी बात फोर्स कहां लगेगा? नेगेटिव वालों पे सारे नीचे लगेगा और पॉजिटिव वालों पे सारा ऊपर की तरफ लगेगा। अब ध्यान से देखना बेटा क्या होने वाला है, थोड़ी देर बाद जितने भी देखो ध्यान से होने क्या वाला है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी देर बाद ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठे होना चालू हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होना चालू हो गए और सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाना चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस सारे नेट पॉजिटिव ऊपर इकट्ठा चालू हो जाएगा और नेट नेगेटिव नीचे आना चालू हो जाएगा। पर सर क्या ये चार्जेस तो बहुत सारे होते हैं उस कंडक्टर के अंदर, इनफाइनाइट चार्जेस होते हैं, तो क्या हमेशा लगता ही रहेगा फोर्स, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगता ही रहेगा जब तक ये मूव करता रहेगा? हाँ, पर आप ध्यान से सुनो, अगर मान लो कब तक लगेगा, पर देखो यहाँ पर एक फिनोमिना हो रहा है। क्या फिनोमिना हो रहा है? जैसे ही मैंने देखा ये फोर्स के कारण ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं और नीचे नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, तो क्या मुझे पता है प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होना चालू हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होना चालू हो जाएगी ना। ये देखो आप ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो बच्चों प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ऊपर से नीचे की तरफ, होगी कि नहीं होगी? अच्छा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी? नहीं, कांस्टेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि चार्जेस कंटिन्यूअसली नीचे भी बढ़ रहे हैं ऊपर भी बढ़ रहे हैं उसके रिलेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत मजबूत होगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। अब क्या होने वाला है, कब तक चलेगा ये सब कब तक चलेगा वो समझना है। तो देखो आप खुद सोचो ये लग क्यों रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की, अगर मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इसकी बात करो, तो अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है? मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस बढ़ाता चलेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, दोनों साइड बढ़ा रहा है, तो उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चलेगी। तो आप मुझे बताओ ये चीज तो कॉन्स्टेंट है, दिस इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, बट धीरे धीरे इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आना चालू हो जाएगा, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, तो डेफिनेट सी बात है इस पे जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स आएगा वो एफ इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऊपर की तरफ जाता है। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है दिस इज वेरिएबल, तो एक तो मोमेंट ऐसा आएगा ना कि जिस मोमेंट पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स एकदम एग्जैक्टली इसकी वैल्यू ले लेगा। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कंटिन्यूअसली चार्जेस डिपॉजिट कर रहा है नीचे और ऊपर, तो एक मोमेंट आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में होता क्या है, इक्विलिब्रियम में आएगा सर एक मोमेंट आएगा जहां मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है सर? वो होता है ई इंटू वी इंटू बी, तो जो कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, चार्ज कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बदलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैप ई इंटू कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ई गया। अब देखो क्या होगा, यहां से आपके पास में एक रिलेशन निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गई बी इंटू वी, आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ये आप इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, मतलब जिस मोमेंट पे सारा सिस्टम रुक जाएगा। देखो एक और बात आपको मैं समझा दूं, इक्विलिब्रियम आना मतलब रुकना नहीं, इक्विलिब्रियम आना मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ी बहुत जो वेलोसिटी रह जाएगी
रह जाएगी ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, थोड़ा जैसे एक्सेलरेशन जीरो होगा वेलोसिटी रह जाएगी, मोमेंटम रह जाएगा, उस मोमेंटम से कोलिजन करते करते बाकी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डिपॉजिट होना कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे धीरे से। बात समझ में आई? क्योंकि इतने सारे चार्जेस एक दूसरे से कोलाइड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, हीट एनर्जी के रूप में निकल जाएगी बाहर। तो पार्टिकल हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जिस मोमेंट पे किसी भी चार्ज में ये कंडीशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, उस मोमेंट पे ये चार्ज ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और उस मोमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गई होगी, जो वेरिएबल थी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी सर वेलोसिटी ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रॉड, क्या मतलब ऑफ द सिस्टम या एनवायरमेंट में जो भी मैग्नेटिक। आपको बात समझ में आई? पर अभी सर कहानी समझ में नहीं आई है। क्यों कहानी समझ में नहीं? मैं क्या डिस्कस करने वाला था, फैराडे का नियम। फैराडे ने क्या बोला था कि अगर साहब कोई रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करते हुए आगे निकल रही, तो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होता है। तो वो तो मुझे सामने दिख गया ना दोस्त। कैसे दिख गया? आप खुद देखो कि मैंने आपको बोला कि जो रॉड है वो रॉड पे ऊपर आ गए प्लस चार्जेस डिपॉजिट हो गए, है ना, और नीचे क्या डिपॉजिट हो गया, माइनस चार्जेस डिपॉजिट हो गए। और ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ एल थी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, क्या आपको इसके बीच में प्लस टू माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पता चल गई इक्विलिब्रियम पे? देखो मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे आके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रुकेगी, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम आ गया, आप सिस्टम कांस्टेंट हो गया, अब हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम बच्चों। तो आप बहुत बहुत ध्यान से समझो, तो अगर इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया, तो अब देखो मैं, क्या आप इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो? क्या आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाला हुआ है? तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वी बराबर ई इंटू डी, है ना, यही होता है, बोलो जल्दी से। तो v बराबर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं, क्योंकि वेलोसिटी v से दिखा रहा हूं, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे पता होना चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d। कैसे कैसे? देखो अगर मान लो कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट a, ये है पॉइंट b, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अगर d, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है e, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि साहब पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होता है। तो मुझे ये पता है कि पोटेंशियल एट ए ज्यादा होगा पोटेंशियल एट बी से। तो मुझे ये भी बात पता है कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, इसको लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली ई इंटू एल। इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। बात समझ में आई? मतलब अगर मुझे कोई दो पॉइंट पता है, उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो मैं आराम से उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सिंपल सी कहानी है। तो अब बताओ यहाँ पर देखो, ये आपका हायर पोटेंशियल है, वी हायर है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, वी लोअर है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सर इस रॉड के अंदर वी हायर माइनस वी लोअर, ये जो डेवलप हो जाएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इक्विलिब्रियम पर निकाल सकता हूँ, वी बी इन हो जाएगी और ये एल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये जो है वी एच माइनस एल, ये है क्या? तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके अंदर एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा। अगर उसके अंदर करंट बह गया तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूँ। अभी देखो इस रॉड के अंदर मैंने बोला कि एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब भी रहेगा जब सिस्टम कनेक्टेड नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, देखो समझो, क्या है कि सर अगर इस रॉड के अंदर, ध्यान दो ये जो रॉड थी ना, ये आपने बनाई थी, इसके अंदर ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करने लगेगी, ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये माइनस टर्मिनल हो जाएगा, और इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वी, इसको एल, हालांकि बी वी एल, इट इज इजिली कॉमनली नोन बी वी एल, ये होती। अच्छा ये कब था, वेन, तब, ये तब की बात कर रहे हैं, वेन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर है परपेंडिकुलर टू रॉड, जो रॉड की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर था, तभी हम ये चीज डिस्कस कर पाए। सर अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो धैर्य रखो, सब बताएंगे बच्चों आपको। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, पहले बहुत फोकस से समझना आपको, है ना। तो अगर मान लो ये रॉड है, ये रॉड की लेंथ एल हो गई, मुझे समझ में आ गया। तो देखो बेटा अभी मुझे समझ में ये आ गया है कि इस रॉड के अंदर एक ईएमएफ लग गया, ईएमएफ बैटरी लग गई है, तो अब मैं क्या इसको एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इक्वी, ध्यान देना, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट, हालांकि देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, देखो कैसे कैसे बना सकते हैं अपन, बना देता हूं। ये जो पूरी रॉड थी, इस पूरी को मैं सिंगल वायर से बनाता हूं और मैं ये बोल देता हूं कि सर इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करने के कारण, इस तरह से एक ईएमएफ की बैटरी डेवलप हुई जिसका प्लस पार्ट ऊपर था,
माइनस पार्ट नीचे था और ये एक बैटरी लग गई। अगर इस वायर के अंदर या इस रॉड के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो मैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस R से दिखा देता हूँ और EMF को E से दिखा देता हूँ। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये जो मैंने ये जो है दिस इज आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके गाइस ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं आपसे पूछूं इस सिस्टम का EMF कितना है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसका EMF है E, जिसकी वैल्यू है VBL। अब अगर मान लो मैंने इस रॉड के अंदर, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि यार अगर एक रॉड, एक देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैंने आपको ओरिजिनल एग्जाम्पल में बताया था, या मैं उसी में एग्जाम्पल में समझा देता हूँ जो आपका ओरिजिनल एग्जाम्पल था, कि ये जो रॉड थी, ये जो रॉड काट रही थी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, दैट मींस कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कोई भी रॉड काटते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ती है, जैसे मान लो ये रॉड जो आगे बढ़ रही है, अगर ये एल लेंथ की है और इसकी वेलोसिटी वी है और मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो इस रॉड के अंदर ना एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और मुझे पता है ईएमएफ का प्लस बैटरी ऊपर रहेगी, प्लस पॉइंट ऊपर रहेगा, माइनस टर्मिनल नीचे रहेगा, और इसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और इस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, ईएमएफ इसकी वैल्यू होगी वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द वायर। बात आपको समझ में आ गई? तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, तो अब अगर मान लो सपोज करो इस वायर के अंदर अगर मैंने कोई एक बल्ब लगा दिया, लेट से यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, इस तरह से एक बल्ब लगा दिया, तो क्या ये जल जाएगा? अरे साहब बिल्कुल जल जाएगा, पक्की बात है जलेगा, क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ आ गया तो एक करंट बहने लगेगा, करंट बहेगा तो बल्ब को करंट मिल जाएगा, और करंट अपना बल्ब जल जाएगा, तो जैसे ही करंट आएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और अगर आपसे बोलता है कोई इंसान व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड, तो अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा आप आराम से निकाल सकते हो, वो आ जाएगा, देखो आप रॉड को बना लो पहले, मैं आपको ये निकालना नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी करंट में सीखे हुए हो, ये आपका आर है, चूंकि करंट ऐसे बह रहा है हायर पोटेंशियल से, और ये ए है और ये बैटरी का ईएमएफ ई है, तो आप यहां से इक्वेशन बना सकते हो, पोटेंशियल वीबी से लिखो माइनस माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर प्लस ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू वी ए, और आराम से आप हायर पोटेंशियल माइनस वी बी निकाल सकते हो ई माइनस आई इंटू आर। दिस इज बच्चों आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर है। ध्यान दो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ये तब आया है सिस्टम में जब करंट बहा है, करंट बहने से जो रेजिस्टेंस था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें भी एक ड्रॉप आ गया है, वो रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी को खत्म करेगा तो ड्रॉप आ गया है, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है। तो जैसे ही उसमें ड्रॉप आ गया है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया माइनस होके, और अगर ये ड्रॉप नहीं आएगा, करंट जीरो कर दोगे, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि किस तरह से एक जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड काट के अपने अंदर एक ईएमएफ डेवलप कर लेता है, और इस ईएमएफ को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, इसी EMF को, ये जो EMF आया है ये किस लिए आया है, दिस इज EMF ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड आया, ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड है ना, मोशन ऑफ रॉड आया है, तो दिस इज मोशन ऑफ द रॉड, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन मोशनल EMF, ऑलवेज रिमेंबर मोशनल EMF, जिसको अपन ने निकाला है VBL। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको ये वाली बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ऐसा ईएमएफ जो किसी रॉड के मोशन के कारण, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण डेवलप हो, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अच्छा सर आपको ना मैं एक चीज और समझाता हूँ बहुत अच्छे से, कैसे सर ये क्या है, आपने एक लास्ट लेक्चर में तो बताया था कि किसी लूप में फ्लक्स चेंज होता है, दो तरीकों से ईएमएफ डेवलप होता है, आपने जो फैराडे का लॉ, फैराडे ने ऑब्जर्वेशन करी थी, दो में करी थी, पहला लूप में करा था कि उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ उसके लूप में डेवलप हो गया, वो होता है डी फाई बाई डी टी, मैंने आपको बताया था कितनी फ्लक्स चेंज हो रही है, आपको समझाया था लास्ट क्लास में डी फाई बाई डी टी। और एक जो ईएमएफ डेवलप होता है वो रॉड के या कंडक्टर जो क्लोज नहीं है उसे काटने के कारण होता है, दोनों में सर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, मैं आपको बता दूं अपन उस दोनों के डिफरेंस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, अब आप मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको ऐसा समझाता हूं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ एस एस फ्लक्स चेंज, या इसको ऐसे लिखो फैराडेज ईएमएफ ज्यादा बेटर रहेगा, मोशनल ईएमएफ एस फैराडेज ईएमएफ। क्या मतलब है सर इसका, ये बहुत डेप्थफुल बात है, बहुत आसान बात नहीं है, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात है। देखो कैसे,
समझना बात को, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि सर ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना, ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, बहुत फोकस करके समझना बेटा, ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो लेट से ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके ओके, ये t इक्वल टू जीरो यहां से चालू हो रहा है। अब अगर मान लो इसी पॉइंट पे मैं एक कंडक्टर रख देता हूँ, ये कंडक्टर मैंने रख दिया, ये वाला कंडक्टर, ध्यान है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला कंडक्टर वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहा है, लेट से इसकी लेंथ जो है l, क्या आपको बात समझ में आई, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b है। बेटा अभी मैंने आपको बताया अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हो ये कंडक्टर वायर, कट करने का मतलब समझे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और एक कट करते हो वायर को, जैसे मान लो तार बंधे हुए हैं और ऐसे एक रॉड निकल रही है, ठीक है ना। अभी देखो इसके ये जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वी इंटू बी इंटू एल होगी कि नहीं होगी। तो पहले मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, जैसे लेट से मैं इसको इस तरह से बना देता हूं कि भाई इस रॉड के अंदर एक ईएमएफ तो डेवलप होगा, मोशनल ईएमएफ, जिसकी वैल्यू होगी वी इंटू बी इंटू एल, है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ लेट से मुझे नहीं पता ये इमोशनल ईएमएफ क्या है, वीबीएल, पर आप खुद सोचो अगर मान लो इन टी टाइम, अगर मैं बोलूं इन टाइम टी, अगर मैं बोलता हूं इन टाइम टी रॉड मूव्स, है ना, बाय अ डिस्टेंस, बाय अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से मूव करेगी बताओ जल्दी से, ये तो बहुत ईजी है ना, कितनी डिस्टेंस से रॉड मूव कर जाएगी, वो कर जाएगी सर वेलोसिटी इन टू टाइम टी, या टाइम डी टी ले लो, छोटे से टाइम में ले लो आप तो और ज्यादा आसान रहेगा आपके सामने, तो ये v into dt मूव करेगी। अब देखो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़े समय बाद जस्ट अ मिनट, थोड़े समय बाद ये रॉड कहाँ आ जाएगी, देखो ये रॉड क्या, ये बन जाएगी, यहां पर आ जाएगी रॉड, देखो जल्दी से ये वाली रॉड इधर आ जाएगी थोड़े समय बाद, ठीक है। अब थोड़े समय बाद तो ये रॉड इधर आ जाएगी, तो यहां पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, देखो कितनी डिस्टेंस कवर करी, हालांकि वेलोसिटी नहीं बदली अभी इसकी, कितनी डिस्टेंस कवर करी। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं आपको मोशनल ईएमएफ को फैराडेज ईएमएफ के थ्रू समझा रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सर ये मोशनल ईएमएफ क्या है, और आपने जो पहले लूप में इंड्यूस कराया था डी फाइव बाई डी टी वो क्या है, वो भी आपको समझा रहा हूँ, ये डिफरेंस समझा रहा हूँ। तो अगर मान लो टी टाइम में ये जो लेंथ बनी ये कितनी आई, ये वी इंटू डी टी आई, चेक करो ये v into, इसको अपन येलो पेन से लिख देते हैं ज्यादा बेटर हाईलाइटेड रहेगा थोड़ा सा। तो इसने जो t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज v into dt करी। अच्छा मुझे बताओ क्या इस t टाइम में इसने कोई फ्लक्स में चेंज करा, अच्छा आपको मैंने बताया फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, हालांकि डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं परपेंडिकुलर चीजों की बात कर रहा हूँ तो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं। तो देखो आप खुद सोचो ये जो है ये एरिया चेंज आया कि नहीं आया, यही एरिया चेंज आया, दिस इज डी ए चेंज आया ना, डी टी टाइम में डी ए एरिया का चेंज आया। तो आप मुझे बताओ ये जो रॉड है, ये रॉड डी टी टाइम में जो आगे बढ़ी कितना फ्लक्स का चेंज आया, कितना फ्लक्स का चेंज आया जल्दी से बताओ, फ्लक्स का जो चेंज आया वो कितना आया, वो आया फ्लक्स होता है जो चेंज इन फ्लक्स आया थोड़ी देर में डी फाई, वो आया मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है और कितना एरिया चेंज आ गया, है ना, कितना एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी थी और एरिया में कितना चेंज आया जल्दी से बोलो, ये डी ए है, देखो ये डी ए एरिया है और डी ए एरिया को क्या मैं लिख सकता हूं, एल इंटू वी डी टी लिख सकता हूं, चेक करो। देखो बच्चों थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। रॉड चल रही है डी टी टाइम में थोड़ा सा आगे बढ़ी और डी टी टाइम में चूंकि मुझे उसकी वेलोसिटी पता थी तो मैंने आगे बढ़ने की डिस्टेंस निकाल ली, वो निकाल ली वी इंटू डी टी, बात आपको समझ में आई। तो जैसे ही वी इंटू डी टी निकाल ली, अब मैंने क्या बोला सर ये लेंथ थी, ये वी इंटू डी टी थी, तो एरिया कितना चेंज आ गया, एल इंटू वी इंटू डी टी, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, तो इतना एरिया चेंज करा, एरिया चेंज करा मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर एरिया का चेंज आ रहा है तो फ्लक्स इंड्यूस हुआ, फ्लक्स में चेंज आया तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया, बी इंटू एरिया, और वो हो जाए बी एल इंटू वी इंटू डी टी, तो बी इंटू एल इंटू वी इंटू डी टी, ये क्या आया डी फाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, है ना, यही आया चेंज इन फ्लक्स ऑफ रॉड, ठीक है, या बाय रॉड लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान से देखना क्योंकि रॉड के थ्रू हो रहा है ना, तो बाय रॉड इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी यही होगा, तो ये हो जाएगा। अब मैं अगर मान लो डी टी को नीचे लेके आ जाऊं डी फाइव बाई डी टी, ध्यान दो, तो क्या ये बी इंटू वी इंटू एल बन जाएगा, जल्दी से बोलो डी फाइव बाई डी टी बी वी एल बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ क्या मैंने आपको एक लूप जब पढ़ाया था, लूप में आपको ये बताया था कि ये जिसके अंदर जो लूप के अंदर ईएमएफ डेवलप होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होता है
वो डी फाइव बाई डी टी होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी होता है, साइन लगता है ना माइनस का क्योंकि वो अपोज कर रहा है, तो डी फाइव बाई डी टी होता है। अब मुझे बताओ डी फाइव बाई डी टी यहाँ से भी आया है ना, और डी फाइव बाई डी टी यहाँ पर कितना है, बी वी एल है, मतलब ये जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आप अगर फैराडे के हिसाब से देखो, फ्लक्स के चेंज के हिसाब से, बात आपको समझ में आ रही है, अगर आप फैराडे के नियम के हिसाब से देखो जो अपन ने लूप में करा था कि फ्लक्स के चेंज होने से किसी लूप के अंदर कितना क्या होता है, अब ई एम एफ कितना इंड्यूस होता है, वो आया था आपका डी फाइव बाई डी टी। अगर वही चीज आप रॉड में लगा दो, अब रॉड में क्यों लगाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रॉड क्लोज लूप नहीं था ना, रॉड के अंदर फ्लक्स चेंज नहीं देख पा रहे थे, बट अभी हम ये समझ रहे हैं कि रॉड कितनी फ्लक्स कट करके जा रहा है, तो फ्लक्स जो उसने कट करी वही तो उसने चेंज लाया फ्लक्स में, जितनी फ्लक्स कट हुई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हुई, वही तो उसके अंदर चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, मतलब उसने बिहेवियर में चेंज लाया ना उसके, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी कट हुई, तो कितनी कट हुई, वो ही फाई बराबर बी इंटू एरिया, और एरिया कितना है वी डी टी इंटू एल, बात आपको समझ में आ गई, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो डी फाई बाई डी टी जो हो गया वो आपका ई एम एफ, तो देखो ये वाला जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है क्या वो इस बी वी एल के बराबर आ रहा है, समझ में आई बात, तो बस यहां से आपको ये चीज समझ लेनी है कि जो सर मोशनल ईएमएफ निकाला था वो एग्जैक्टली बराबर आ रहा था फैराडेज के ईएमएफ के, मतलब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं कि सर ईएमएफ जो मेरा आया, ईएमएफ जो मोशनल ईएमएफ है वो एग्जैक्टली सेम होता है, वो एग्जैक्टली सेम होता है फैराडेज ईएमएफ के, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दोस्त, फैराडेज ईएमएफ के सेम होता है, ठीक है। तो आप देखो, अब आपको स्टार्टिंग में आता हूं जो पहले लेक्चर में बताया था कि फैराडे ने जो दो ऑब्जर्वेशन लगाई थी, एक लूप के लिए और एक कंडक्टर के लिए, तो लूप के लिए भी जो ईएमएफ निकल के आया था वो उसने बोला था कि सर वो डी फाइव बाई डी टी होता है मैग्नीट्यूड वाइज और अपोज करता है, और यहां पर भी जो ईएमएफ निकल के आया वो मोशनल ईएमएफ से, वो भी निकल के आया डी फाइव बाई डी टी से निकाला, वो भी निकल के आया वी बी एल, दोनों बराबर आए, डी फाइव बाई डी टी से भी बराबर आया और वी बी एल से भी बराबर आया। तो अब आपको ये चीज समझनी कि इन दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक ही तरीके से होता है और एक ही अमाउंट का ईएमएफ इंड्यूस होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है, दो चीज आपको क्लियर होगी। अब थोड़ा सा ना बेटा कि अब हम थोड़ा सा ना अगले जो लेक्चर हमारी जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे ये समझने के लिए कि किसी रॉड में किस किस तरीके से ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। ये तो सर आपने तब बताया जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मान लो वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाए, फिर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर केस के सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, थैंक यू सो मच।